दोस्तों हम जा रहे थे बोनकट्टा से नागपुर की ओर, तब हमें हाईवे पर एक वाटरमेलन फार्मर और सेलर दिखा, जिससे बात करके हमें बहुत मजा आया। आप भी सुनिए। काई की गारंटी है काका? लाल की गारंटी है। ये ताजी है ना, यहाँ की फसल का है। फसल इसकी लगी हुई है, ये किलो से तोड़ के आया देखो। अच्छा, ये एक अभी पकने की थी। अच्छा, ये पका हुआ नहीं है क्या? नहीं, ये भी कच्चा है। वो कच्चा है? हाँ, अभी से रहेगा, ये पका बना जाएगा। ये पका हुआ है? पका हुआ है। जो लेंगे 30 रुपए, जो भी नग लेंगे 30 रुपए का ही। ये 3 दिन तक रहना पड़ेगा। ये कच्चा है? हाल का मैं दिखा दूँ कैसा कच्चा है, मैं आपको दिखा काट के देगा। बारी का माल है, तुम फूट जाएगा, काट के देगा, फट के फूट जाएगा। अच्छा, 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 हाँ, ये, हाँ, अभी बारी का ये देखिए, कितने टाइम में आया है अभी? 5 मिनट। अच्छा, ये 2-3 दिन रहेगा तब थोड़ा सा मजा आएगा खाने में। मजा आएगा वो तो भी काटेंगे ना, तो ना बोले भी एनो कट्टे होंगे। हाँ, बोले भी एनो कट्टे। मैं क्या बोला ना, ऐसा कलर है अभी, अभी मैं काट के नहीं दूंगा, 3 दिन के बाद काट के दूंगा। हाँ, मतलब फ्रेश है वो, लाल आने को थोड़ा और समय लगता है तोड़ने का। अच्छा, ठीक है। और ये वाला, ये 20 रुपए ना, कौन सा भी लो। अच्छा, वो 30 है, ये 20 है। बड़ा वाला 30 का है, ये 20 का है, छोटा जो भी लो। अच्छा भाई, तू एक काम करो, 30 वाला एक ले पहले मेरे लिए। हाँ, ये मेरे लिए ले लिया तूने, अब ये ले खाने के लिए अपने। एक लेना, हाँ तो तू लेना, तो कौन मना कर रहा है? देखो नहीं कर रहा है ठीक है। ये अभी खाएगा ये वाला? हाँ, ये अभी खाएंगे। काट के दो। हाँ, काट के दो। आपके नहीं, नहीं हम मिलके खाएंगे। खाएंगे ना, बैठो कुछ भी बना। हाँ ठीक है, बनाओ बनाओ ना, खाएंगे दोनों आदमी उसमें। बराबर पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल, बैठो बैठो। हाँ हाँ, आप काटो, हम आपकी सेवा में है। इधर आपको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो हम खड़े हैं ना। आपका खेत है क्या इधर? मेरा खेत नहीं। अच्छा, हाँ क्या ना भैया, महेश खोने का खेत है और मैं महेश में काम करता हूँ। अच्छा, तो मेरा मन हुआ सब्जी का खेती करना है। अच्छा, महेश का काम छोड़ के इतना कठिन काम नहीं करके दोनों बच्ची को पढ़ाने के लिए पार्ट टाइम से पैसा चाहिए ना भैया। बस बहुत जरूरी है, जरूरी है। मैं सोचता कम से कम 2 महीना एक दो ड्यूटी कम हो जाएगा, खेती में जो पैसा उठेगा रोज जाएगा। अपना खेती का माल होता है, 2-3 दिन रखता हूँ, बेचता हूँ, मार्केट से आधा रेट में बेचता हूँ। अच्छा, क्योंकि गांव का लोग खाएगा पहले, बाद में बाहर का लोग। सही बात। तो फिर वो खेत आप वो बटाई से नहीं, क्या बटाई से नहीं, वो बोले तुम्हारा मेहनत, तुम्हारा खर्चा, तुम्हारा नाफा, तुम्हारा नुकसान। अच्छा, तुम्हारा तुम करके दिखाओ। अच्छा, करके दिखा दिए। अच्छा, 15 किलो तक तरबूज पड़ा है। अच्छा, चाहिए तो चलो फोटो दिखा देता हूँ, देखेंगे फुर्सत में। फुर्सत में नहीं भैया, कब निकल जाएगा पता। अच्छा, अभी चलो ना, दिखा दो अभी, आपको दिखाता हूँ ना। मेहनत अकेला इंसान में। ककड़ी भी उगाते क्या आप? ककड़ी आपका फोटो लेना है, ककड़ी देखो ना थोड़ा है। हाँ दिख तो रही है, फ्रेश दिख रही है। कोई देने को आता है क्या? सही बात है। कल आए था ये लोग, फोटो फोटो लेके गए। अच्छा, पूछे नहीं तुम्हारा नाम क्या। अच्छा, क्या है, क्या है ना? नहीं अभी मैं बोला तो आप पूछे तुम्हारा नाम क्या है, खाना खाया या नहीं, कितना टाइम इधर खेती में ड्यूटी कर रहा है। कोई पूछने वाला नहीं। क्या चाहिए? लाल। क्या चाहिए? ड्रेस। क्या चाहिए? हम फ्रेश है या नहीं, हमारा कपड़ा फ्रेश है या नहीं, वही सोचते हैं। हम फ्रेश चाहिए। धन्यवाद।
अभी ला लेंगे ना मोबाइल है तुम्हारा स्माइल दे दे शादी कहीं अभी अंकल लेके जा रहे हैं हमको हमारे अपने तरबूज के खेत में हाँ जी पूरा लगा है अच्छा अच्छा जो घास दिख रही है वो इनका खेत है और दूर से देखने में बिल्कुल नहीं लगता कि उसके अंदर तरबूज या ककड़ी की खेती होती है और उन्होंने ये घास फूस इसलिए उगाया है ताकि लोगों को दिखे ना और कोई उनकी खेती को नुकसान ना पहुंचाए। ब्लास्टिंग होया है लोगों को क्या है ना अंदर आने से रोकता है क्या ना कोई कारण नहीं है तो डराता हूँ अच्छा करंट है इसमें करंट रहता है शाम को अभी मैं दिन को भी रात को भी रहता हूँ करंट अभी है कि नहीं 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 नहीं, नहीं। अभी बंद रहेगा अच्छा 11 बजे से चालू जब दुकान चालू रह जाएगा मेरा हाँ। लगा देता हूँ अच्छा। क्या आता है सुबह बता वो फेंक देता है आदमी कोई भी पूछेगा अच्छा बाहर से देखने में तो बिल्कुल लगता नहीं तरबूज की खेती है ना घास से लगता है घास लगता है और ये अंदर तरबूज है तरबूज हाँ जी बहुत अच्छा और मैं पहली बार देख रहे हैं हम तरबूज की खेती शहरों में सब देखने नहीं मिलता है ये तरबूज कितने किलो का होता है फिर ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा मेरा खेती में 15 किलो तक अच्छा 15 किलो 15 किलो तक है अंदर से नहीं जाऊंगा मर जाएगा हाँ सही बात है मैं हाथ में उठा के जी आपको भी ये है तरबूज जी बनकट्टा का वीडियो कर रहा है ना हाँ जी बनकट्टा बस धन्यवाद वो ककड़ी किधर है अच्छा आ बना है मैं बोला किसका है मैं आता हूँ 2 मिनट हाँ वो छोटे छोटे दिख रहे फूल ये एक ककड़ी हाँ अब बड़ी बड़ी वाली दिखाओ वे एक हाथ में दिखाओ ये विलायती ककड़ी है क्या सरकारी है अच्छा हाँ जी बहुत अच्छा लगा आपने अपना खेत दिखाया हमको ये तरबूज देखो ना हर एक वजह ककड़ी का अंदर तरबूज है हर जगह में तरबूज पड़ा है मेरा बहुत सुंदर ये झाड़ है ना हाँ। कोई अंदर घुसने को नहीं देता हाँ। क्योंकि एक है स्टोन से बचाता हूँ एक इंसान से बचाता हूँ हाँ। जानवर मेरा कुछ नहीं करता जी इंसान सबसे बड़ी समस्या है ना हाँ। इंसान खराब कर देता है खेती डबल है
पानी आया तो गया। अच्छा वाला, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत करने वालों को भगवान साथ देता है। तो मेथी रहता है हाँ। उसमें कीड़ा नहीं आता एक में हाँ। और कलामंडी से बताता है। अच्छा आप करते तो आपको पता है कि वो क्यों किए है ना हाँ। बाकी लोग नहीं करते तो उनको घास दिखती है, इसीलिए वो लोग गन्ना पर ज्यादा फोकस करता है। मैं सोचता हूँ एक इंटीग्रेशन देता हूँ हाँ। ये लोग करे बनकटा फर्स्ट टाइम में किया। अच्छा फर्स्ट टाइम अभी जो स्वर्ग द्वार बोलता है गांव संस्कार करता है उधर ही। अच्छा 24 आवर में रहता हूँ। अच्छा ये तो चीज है ये दुनिया को बताना। हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल। मेहनत का फल ऊपर वाला के पास है बिल्कुल, आप भेजेंगे तो फल नहीं देगा। हाँ जी हाँ जी, लेकिन हमारा फल जमीन में पड़ा है हाँ, बिल्कुल। किसान का पड़ा है जमीन में हाँ। और कभी ऊपर वाला दया करेगा तो आएगा, नहीं आए तो उनका भरोसा में छोड़ दिया। सही बात है। अपना सामान अपना सस्ता भी बेचता है हाँ। और हम ठेकेदार को देंगे तो वो दो पैसा लोगों के पास हाँ। फंसेगा, खाओ खाने का है काट के देता हूँ। सही बात है, ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा। आपको लकड़ी का भर के देता हूँ, कितना भीड़ रहेगा आपको पता नहीं जी। भीड़ दोपहर के टाइम पे आती है ज्यादा कस्टमर, 24 आवर। अच्छा माइंस वाला हो, लोकल आदमी हो, सब लोग फ्रेश माल लेने के लिए आते हो। खाने के लिए तो काट के देता हूँ, ये काटता हूँ। ये आपको दे रहा हूँ हमारा जी, जी जी बिल्कुल। आप देखिए वीडियो भी किए हाँ जी, उसी जगह का ये ककड़ी है हाँ जी। अभी तोड़ने को जाऊंगा, दूसरे खेती से आ गया अभी हाँ। और उधर एक जगह में ककड़ी लगाया। अच्छा इधर से तोड़ के इधर आ हाँ जी हाँ जी अंकल। ये अभी मत काट हाँ जी बिल्कुल, 3-4 दिन बाद काटेंगे। बाद में जाना ना होता है तो हाँ जी आ जाइए जी बिल्कुल। फल उठेगा कितना लगा ना हाँ जी, बराबर सही बात। मुर्गी भर के अपना चावल बेच के हाँ जी, दाना उठा के मेरे को मेहनत का माइंस में काम करके और बता नहीं सकता। वो वीडियो मेरा गुड़िया को भेज दे हाँ जी बिल्कुल। वो नंबर है आपके पास हाँ। अच्छा 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 हाँ बिल्कुल, जब भी मैं अभी कल उसको एडिट करूंगा और पोस्ट करूंगा ना तो वो आपका नंबर से उसको हार्ड चीज में मैं भेजता हूँ सबका मोबाइल में। अच्छा तरबूज का फोटो आएगा आपका पास। अच्छा अब देख लेना कितना बड़ा तरबूज। अच्छा यहाँ पे जुगा हुआ था, था। अच्छा 15 दिन पहले वो तरबूज बेचा 500। अच्छा 500। अच्छा कितना किलो का था वो? 14 किलो 700। 14 किलो 700 का एक तरबूज। अच्छा अंदर जाने के लिए तो पागल हो जाते। अच्छा बड़े बड़े तरबूज भी है क्या? अच्छा जो ऑर्डर देता है सीधा जाता हूँ भाई, 50 रुपया किलो पड़ेगा मेरा तो, मेरा मेहनत का हाँ जी सही बात है। 30 रुपया क्यों ले रहा हूँ? 2 दिन के बाद 30 रुपया किलो बोल दूंगा, पक जाएगा कट के देना हाँ जी। अभी ये काटा है जी, कितना वो 2 दिन के बाद कितना लाल हो जाएगा हाँ। ये देखो ना भैया कितना है हाँ जी, इधर तो पकना चाहिए ऊपर से तो हाँ जी, तब जाके मजा आता हाँ, तब उसको सही पका बोलेंगे। अभी क्या ना मार्केट का रेट है, चलो उठा लेता है आदमी को बोल के बोलते भाई ये मतलब पका वाला काट के दिखाता हूँ जी,
हाँ जी सही बात है, बहुत अच्छा था आपका तरबूज, बहुत मीठा भी था। आदमी का डिमांड है, खेती का माल खाएंगे, हम खरीद करके नहीं खाएंगे। जी थैंक यू भैया। हाँ जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आपसे मिलकर खुशी हुई। लीजिए अंकल, चेंज हमको चाहिए नहीं, ये आपके लिए। नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं आप नहीं, इतनी मेहनत किए आपकी गुड़िया के लिए, हमारी तरफ से कुछ भी लेके दे देना। थैंक यू, क्योंकि आपसे मिलके मेरे को बहुत खुशी हुई सच में। आप जो मेहनत कर रहे हो और इतना सब किया आपने, तो अपने गुड़िया के लिए किताब लेके। आपका नाम बताओ। मेरा नाम मुकेश है। मुकेश, सरनेम धड़का है। ये मेरा गुड़िया के पास जाएगा। हाँ जी, ये मेरा गुड़िया के पास संजना महंती फ्रॉम उड़ीसा, नाउ लिव इन बनकट्टा। धन्यवाद जी अंकल, थैंक यू।